हेलो एवरीवन, यूपी पीसीएल में वैकेंसीज निकल आई हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। दीपावली के मौके पर आपको इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली है कि यूपी पीसीएल में आपकी वैकेंसीज निकली हैं एई के लिए, यानी कि जो लोग एसडीओ वगैरह बनना चाहते हैं उनका सपना पूरा होने वाला है। और काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज हैं, जितनी यूपी ट्रिपल एससी में नहीं है जितनी वैकेंसी जेई के लिए, उतनी वैकेंसी एई के लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए 180 वैकेंसीज़ हैं, और आपके कंप्यूटर साइंस के लिए भी 40 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 61 है। अच्छा, आप अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या इलेक्ट्रिकल से हो या कोई भी मिक्स ब्रांच है इलेक्ट्रिकल के साथ, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, फॉर्म के लिए। ठीक है, ये सब सैलरी वगैरह लिखी हुई है, मिनिमम लेवल ऑफ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पे स्केल वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ मिक्स होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कैटेगरीज। आप सरकारी रिजल्ट .com पर जाके इसको नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हो, पर यहाँ पे कुछ बातें मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि सेम सिलेबस है गेट का। इसमें लिखा हुआ है जो सिलेबस गेट 2018 का था वही सिलेबस इसका ही है, ठीक है। जैसे मान लो आप सिविल के हो तो सिविल का गेट 2018 का सिलेबस उठाओ, वही इसका सिलेबस है, ठीक है। तो गेट से भी काफ़ी आपको क्वेश्चन मिल भी जाएंगे इसमें, थोड़ा उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ऊपर से 10% का इसमें जीके और 10% का रीजनिंग, प्लस 5% आपकी हिंदी आ रही है, तो 25% आपका नॉन टेक पोर्सन है, और 75% का सिलेबस जो होगा वो आपका गेट का ही सिलेबस इसमें आएगा। तो जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छी खबर है, ठीक है। तो 180 वैकेंसी निकली हैं, आप इसकी आराम से गेट की तैयारी कीजिए, इसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो है 30/11, ठीक है, तो अभी महीना है, आराम से आप 2-3 दिन में भर दीजिए इस फॉर्म को।